आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद संसद में कोई विधेयक पेश नहीं किया जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई विधेयक संसद में पेश और पारित किए जाते हैं। मैं अध्यक्ष से अपील करता हूँ कि कोई विधायक कार्य लोकसभा न करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के लोगों को समर्थन प्रदान करने और उनके साथ एकजुटता से खड़े होने की आशा के साथ वहां का दौरा करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद संसद में कोई विधेयक पेश नहीं किया जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई विधेयक संसद में पेश और पारित किए जाते हैं। मैं अध्यक्ष से अपील करता हूँ कि कोई विधायक कार्य लोकसभा न करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के लोगों को समर्थन प्रदान करने और उनके साथ एकजुटता से खड़े होने की आशा के साथ वहां का दौरा करेगा।